अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। वेलकम बैक टू क्लास फर्स्ट ईवीएस पार्ट थ्री। नाउ टुडे स्टूडेंट्स, विच चैप्टर वॉज गोइंग ऑन? चैप्टर नंबर 9, वेयर वी लर्न। अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वेयर वी लर्न। इससे पहले मैंने आपको इसके दो पार्ट पढ़ा दिए हैं। ओके स्टूडेंट, सो बिफोर वी स्टार्ट द पार्ट थ्री, हम पार्ट थ्री स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा है हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जिससे कि आपको याद आ जाए कि आपने फर्स्ट सेकंड पार्ट में क्या पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में पहले हमने क्या किया था, उन चीज़ों पे सर्कल लगाया था जो हम स्कूल के बैग में लेके जाते हैं, जैसे लंच बॉक्स, कलर पेंसिल्स, बुक्स, इन पर हमने सर्कल कराया था। फिर हमने स्कूल का नाम लिखा था, तो वॉट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, माटलीवाला पब्लिक स्कूल। दैन वॉट रूल्स आर फॉलोड इन द स्कूल, कौन से रूल्स हमको स्कूल में फॉलो करने हैं, क्लीन और क्लीन, साफ और आयरन यूनिफॉर्म पहननी है, स्कूल टाइम से पहुँचना है, और हमारे टीचर्स हमें क्या सिखाते हैं, क्या बोलते हैं, उनको हमें सुनना है। फिर हम स्कूल में क्या लर्न करते हैं, तो क्या क्या करते हैं, हम रीडिंग और राइटिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको उसमें दिखाया था, आपको याद है, आपके स्कूल के पिक्स भी दिखाए थे जिसमें आप सब बैठे हुए हो। तो वो हम स्कूल में सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, रीडिंग और राइटिंग वर्क सीखते हैं। फिर और क्या सीखते हैं, ड्राइंग करना सीखते हैं। फिर खेलना कूदना भी सीखते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जिन स्कूल्स में म्यूज़िक की क्लास होती है वहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, उनको सिखाया जाता है। देन वी हैव रीड अबाउट द डिफरेंट प्लेसेस इन अ स्कूल, सो व्हाट आर द डिफरेंट प्लेसेस इन द स्कूल, दैट इज़ लाइब्रेरी, स्टाफ रूम, मेडिकल रूम, देन कंप्यूटर रूम, म्यूजिक रूम एंड प्लेग्राउंड। सो दीज आर द प्लेसेस विच वी फाइंड इन द स्कूल, ये सारी प्लेसेस हैं जो हमको स्कूल में देखने को मिलती हैं। कंप्यूटर रूम होता है, प्लेग्राउंड होता है, स्टाफ रूम जहाँ पे आपके टीचर्स बैठते हैं, कंप्यूटर रूम में आप कंप्यूटर सीखते हो, फिर उसके बाद प्लेग्राउंड होता है, प्लेग्राउंड में आप खेलने जाते हो जब आपका पी पीरियड होता है, फिर उसके बाद में आपका कौन सा रूम होता है, देन यू आर हैविंग द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम बैठ के बट अलग अलग बुक्स की पढ़ते हैं, जिससे हमें बुक्स की जानकारी मिलती है, अलग अलग बुक्स का नॉलेज हमको लाइब्रेरी में मिलता है। ओके स्टूडेंट, सो द दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डन इन द पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दिस थिंग्स वी हैव लर्न, नाउ वी विल गो फॉर द पार्ट 3। नाउ व्हाट इज देयर इन द स्क्रीन, व्हाट यू आर लुकिंग, लुक एट क्लासरूम, कैन यू नेम द ऑब्जेक्ट्स मार्क्ड, नाउ यू हैव टू सी द क्लासरूम। अभी इस पिक के इस स्क्रीन के बाद आपको एक स्क्रीन दिखाई देगा, उसमें आपको क्या दिखेगा, क्लासरूम दिखाई देगा, वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा लिखा हुआ है, उसमें आपको बताना है कि नंबर 1 पे क्या चीज़ है, नंबर 2 पे क्या चीज़ है, और वो सारी चीज़ें काहे से रिलेटेड हैं, दे ऑल आर रिलेटेड टू द क्लासरूम, वो सारी चीज़ें हमें क्लासरूम में देखने को मिलती हैं। नाउ हियर यू कैन सी, आपको दिख रहा है स्क्रीन में, आप देख रहे हो टीचर पढ़ा रही है क्लास में, बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर के टेबल पे क्या क्या रखा है, डस्टर रखा है, बुक रखी है, चॉक बॉक्स रखा है, ग्लोब रखा है, ब्लैक बोर्ड में टीचर पढ़ा रही है, क्लासरूम में और क्या क्या है, वॉच लगी हुई है, डस्टबिन रखा हुआ है, कैलेंडर लगा हुआ है, अलग अलग सीनरीज लगी हुई हैं क्लासरूम में। सो दिस इज़ अ पिक ऑफ अ क्लासरूम। अभी आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, वहाँ पे नंबर्स डले हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर्स डले हैं, उन नंबर्स को देख के आपको बताना है कि नंबर 1 पे कौन सी चीज़ है। नाउ हियर यू कैन सी, आपने देखा मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, और आपको भी इसको लिखना है, ऐसे ही आपको लिखना है। नंबर 1 पे क्या है, ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड काहे के लिए यूज़ होता है, टीचर उस पर लिख के हमें क्वेश्चन आंसर्स हैं या चैप्टर एक्सप्लेन करती है ब्लैक बोर्ड में। नंबर 2 पे क्या है, व्हाट इज़ देयर इन द नंबर 2, यस वेरी गुड, इट इज़ डस्टबिन। क्या है ये, डस्टबिन है, इसमें हम क्या करते हैं, क्लासेस में हम पेंसिल शार्प करते हैं या कोई कचरा होता है हमारे पास में, तो हम उसको किस में डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नाउ नंबर 3, व्हाट इज़ नंबर 3, नंबर 3 इज़ अ ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, अभी आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप उसमें ऐसे सब्जेक्ट आएगा आपका, उसमें आपको ग्लोब के बारे में पढ़ोगे, ग्लोब के ऊपर पूरा वर्ल्ड का मैप, हमारी जो दुनिया है उसका मैप उसके ऊपर बना होता है, और हमें कोई चीज़ फाइंड करनी होती है ना, तो ईज़िली हम उसको बॉल के जैसा होता है वो,
बॉल के जैसे उसको गोल गोल घुमा के हम उसको बट उसको देख सकते हैं। कोई भी चीज़ को हमें ढूंढना है तो हम ढूंढ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ द नंबर फोर्थ इज चॉक बॉक्स। चॉक बॉक्स तो आपको पता है टीचर यूज़ करती है ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए चॉक का, और वो लिख के आपको सारी चीज़ें बताती है बोर्ड के ऊपर। सो दैट इज़ कॉल्ड अ चॉक बॉक्स। चॉक बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारी चॉक्स होती हैं। नाउ नंबर फिफ्थ इज डस्टर। डस्टर का क्या काम होता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द डस्टर। टीचर अगर बोर्ड पे कुछ लिखती है तो वो काहे से रब करती है, उसको डस्टर से रब करती है। आपने देखा है ना, आप जब स्कूल में आते हो तो टीचर आपको कुछ बोर्ड पे लिखवाती है, तो जब आप लिखने का काम कंप्लीट कर लेते हो तो वो क्या करती है, डस्टर से उसको रब कर देती है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी फाइंड इन द क्लासरूम। नाउ आई हैव रिटन फॉर योर कन्वीनियंस। अगर आपको बराबर है पिक में बराबर क्लियर नहीं हुआ है तो मैंने ये आपके लिए अलग से लिख के रख दी लिखा है, आप इसको देख के लिख सकते हो। सो द स्पेलिंग ऑफ ब्लैक बोर्ड इज BLACK, ब्लैक, BOARD, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट इज डस्टबिन, DUST, डस्ट, BIN, बिन, डस्टबिन। नंबर थ्री इज ग्लो, GLOBE, ग्लो। नंबर फोर्थ चॉक बॉक्स, CHALK, चॉक, BOX, बॉक्स, चॉक बॉक्स। नंबर फाइव इज डस्टर, DUSTER, डस्टर। सो द स्टूडेंट दीज आर द स्पेलिंग्स विच यू हैव टू राइट इन योर विच यू हैव टू राइट यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक एंड विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट वन। नाउ दिस इज अ क्विक क्वेश्चन, डू यू स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव द क्लासरूम। अभी जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप जो क्लास छोड़ते हो, आप क्लास से अगर पी पीरियड के लिए जा रहे हो या कंप्यूटर रूम क्लास के लिए जा रहे हो या लाइब्रेरी में जा रहे हो, तो क्या आप लाइट और फैन बंद करते हो? आर यू स्विचिंग देम ऑफ? आप उनको बंद करते हो कि नहीं करते? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है। यू मस्ट राइट दिस आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके स्टूडेंट, सो गिव श्योरली गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट इज नेम योर फेवरेट प्लेस इन द स्कूल। नाउ नेम योर फेवरेट प्लेस। आपका स्कूल में आपकी सबसे फेवरेट प्लेस कौन सी है? आपको कौन सी प्लेस जो है वो बहुत पसंद है स्कूल के अंदर? अब मुझे तो लाइब्रेरी पसंद है तो मैंने लाइब्रेरी लिखा है। अगर आपको कोई और प्लेस पसंद है, जैसे कि प्लेग्राउंड पसंद है, कंप्यूटर रूम पसंद है, या आपको आपकी क्लासरूम ही पसंद हो सकती है, तो आप उसको आप वो लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, बट आई लाइक द फेवरेट प्लेस इन द स्कूल। माई फेवरेट प्लेस इन द स्कूल इज लाइब्रेरी। सो आई हैव रिटन द लाइब्रेरी। सो स्पेलिंग ऑफ लाइब्रेरी इज LIBRARY, द स्पेलिंग ऑफ दिस इज द स्पेलिंग ऑफ लाइब्रेरी। ओके स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट वॉट इज यू आर सीइंग, देयर आर सम मोर पीपल हु हेल्प अस एट स्कूल। नाउ सम अदर पीपल्स आर देयर, टीचर्स के अलावा दूसरे भी लोग होते हैं जो हमें स्कूल में हेल्प करते हैं। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो वो कौन कौन से होते हैं? इट माइट बी गार्ड हो सकता है, देन बस ड्राइवर होते हैं, ये सब होते हैं जो हमें स्कूल में हेल्प करते हैं। नाउ वी विल सी वन बाय वन, हम एक एक करके देखेंगे। नाउ द फर्स्ट वन इज़ अ गार्ड। यू कैन सी द स्पेलिंग ऑफ गार्ड इज GUARD, गार्ड। गार्ड का क्या काम होता है, आपने देखा ना, आपके स्कूल में भी डोर का जो गेट होता है, स्कूल का जो गेट है उसमें गार्ड खड़ा होता है ना। तो गार्ड क्या करता है, हमारे स्कूल के गेट पे खड़ा होता है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती तो वो इन्फॉर्मेशन देता है। अब उसका क्या काम होता है, वो ये भी देखता है कि कोई अननेसेसरी पीपल हमारे स्कूल में ना आए। ओके स्टूडेंट, सो सी व्हाट इज़ द वर्क ऑफ गार्ड। द गार्ड टेक केयर ऑफ द सेफ्टी ऑफ द स्कूल। अभी स्कूल की जो सेफ्टी होती है ना, सेफ्टी मीन्स कि कोई दूसरे स्कूल के बच्चे स्कूल में बिना रीज़न ना आ जाए, या कोई भी जिसका स्कूल में कोई काम नहीं है वो ज़बरदस्ती स्कूल में आके कोई भी गलत काम करें, या कोई भी हमारे स्कूल में गार्डन है वहाँ से कोई फूल तोड़ के ले जाए या पेड़ तोड़ के ले जाए, तो स्कूल की सेफ्टी का ध्यान कौन रखता है? इट इज़ द वर्क ऑफ अ गार्ड। ये गार्ड का काम है, वो हमारे स्कूल की सेफ्टी का
टेक केयर करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो गार्ड इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन आवर स्कूल. जो गार्ड जो है ना, जो हमारे स्कूल की केयर करता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है स्कूल के लिए. अभी हमारा शाम को स्कूल बंद हो जाता है, हम तो घर चले जाते हैं, पर स्कूल की देखभाल कौन करता है? दैट गार्ड इज टेकिंग केयर ऑफ द स्कूल. वो स्कूल के अंदर रह के स्कूल की सेफ्टी का ध्यान रखता है. सो स्टूडेंट्स, रीड आफ्टर मी वंस अगेन. द गार्ड टेक्स केयर ऑफ द सेफ्टी ऑफ द स्कूल. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट वन. Who is the next one who helps you in the school? He is a bus driver. Yes, you can see the school students are there in the bus. School के जो students हैं वो bus में बैठे हैं, और जो bus driver है वो उनको कहाँ लेके जा रहा है? He is going taking them to the school. वो उनको school पहुँचाने का काम कर रहा है. अब bus driver की भी duty होती है ना, time से school पहुँचाना. अभी आपको driver time से school नहीं पहुँचाएगा तो आप school के लिए क्या होगे? Late हो जाओगे. ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि सब कोई बस से ही स्कूल जाते हैं. मैनी ऑफ यू आर कमिंग बाय द वैन, बाय द ऑटो रिक्शा. तो दीज ऑल आर, मतलब जो लोग वैन चलाते हैं, जो लोग ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं? उनको भी ड्राइवर बोला जाता है. सो दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पर्सन. ये भी इम्पॉर्टेंट पर्सन है. क्यों? क्योंकि ये हमारे को स्कूल पहुँचाने में हेल्प करते हैं. अगर ये हमें टाइम से स्कूल नहीं पहुँचाएंगे तो हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे. नाउ वी विल सी द वर्क ऑफ द बस ड्राइवर. द बस ड्राइवर पिक्स अस अप फ्रॉम अवर होम्स एंड ड्रॉप्स अस एट स्कूल. अभी बस ड्राइवर क्या करता है? हमें हमारे घर से पिक करता है, मतलब घर से हमारे को अपनी बस में बैठाते हैं और हमें स्कूल में ड्रॉप करते हैं. ड्रॉप मीन्स हमारे स्कूल में छोड़ते हैं. सो He is also an important person. Bus driver is also an important person. Students, read after me. The bus driver picks us up from our homes and drops us at school. Picks का मतलब होता है उठाना, मतलब वो हमें स्कूल से, घर से, हमें घर से लेके आता है. Picks मतलब here the meaning of pick is उठाना, मतलब हमें स्कूल से, घर से उठाते हैं. और drop का मतलब क्या होता है? स्कूल में छोड़ देना. ड्रॉप मीन्स छोड़ना. तो द वर्क ऑफ द बस ड्राइवर इज टू पिक अप फ्रॉम द होम एंड ड्रॉप्स अस एट स्कूल. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? यू कैन सी नोइंग इज फन. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट समथिंग न्यू. कुछ आप नया आपको जानने को मिलेगा. मैनी ईयर्स एगो चिल्ड्रन यूज टू गो टू द house of their teacher to study. They also used to live there. This place was called a gurukul. Abhi many years ago, bahut saal pehle kya tha, children jo the na, bacche jo hote the, matlab jab purane, jab rishi muni hote the na, purana time tha, to wo log kya karte the bachchon ko, jaise abhi aajkal hota na, aap log mummy aap log ko boarding school mein dal deti hain, hostel mein dalti hain, to wahan pe aap jaake हॉस्टल में पढ़ाई करते हो. पर वैसे ही पहले के टाइम पे क्या होते थे? गुरुकुल्स होते थे. तो वहाँ पे बच्चे क्या होते थे? वो उनके अपने टीचर के घर जाते थे. उनके लिए घर होता था, वो घर पे जाते थे और टीचर्स उनको वहीं पे पढ़ाई कराते थे, सारी चीज़ें सिखाते थे. मतलब वहाँ पेरेंट्स नहीं होते थे, खाली सब जगह के अलग अलग बच्चे होते थे. और वो बच्चे टीचर के घर पर ही रह के, उनके घर पर रह के वो पढ़ाई करते थे. दे ऑल्सो यूज़ टू लिव देयर. वो मतलब रहते भी टीचर के घर पे ही थे, खाना पीना सब उनका वहीं पे होता था. दिस प्लेस वॉज कॉल्ड अ गुरुकुल. पुराने टाइम पे उसको गुरुकुल बोला जाता था, और आज के टाइम पे हम उसको कौन सा स्कूल बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड अ बोर्डिंग स्कूल. उसको हम हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल बोलते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ हियर यू कैन सी द पिक्चर. पिक्चर में आप देख सकते हो ये गुरुकुल है. वहाँ पे पेड़ के नीचे जो है उनका टीचर है, जिसको हम साधु या ऋषि मुनि बोलते हैं ना, वो पेड़ के नीचे बैठे हैं. उनके सामने बच्चे बैठे हुए हैं और वो उनको पढ़ाई करा रहे हैं. और पीछे आप देख रहे हो वहाँ पे एक छोटा सा घर जैसा दिख रहा है. वो घर किसका है? वो उनके टीचर का घर है. और बच्चे भी टीचर के साथ वहीं पे उसी घर पे रहते हैं. एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड अ गुरुकुल. इन द ओल्डन टाइम्स वी यूज टू कॉल इट गुरुकुल. वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ गुरुकुल? GURUKUL. गुरुकुल. इसको हम क्या बोलते हैं? गुरुकुल बोलते हैं. एंड नाउ आज के टाइम पे हम उसको क्या बोलते हैं? बोर्डिंग स्कूल या हॉस्टल बोलते हैं.
जहाँ पे बच्चे जाके रह के और पढ़ाई करते, पेरेंट्स से दूर रहते हैं। ऐसे ही ये भी वैसा ही पुराने टाइम पे भी होता था। तो स्टूडेंट, दिस वॉज द एंड ऑफ योर चैप्टर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड नाइसली। आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है तो आपको उसका रिप्लाई देना है कमेंट बॉक्स में। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अल्लाह हाफिज़।